अम्मा वाली सती माँ लीजे प्रथम प्रणाम। कथा करूं आरंभ में लेकर तुम्हें रोना। कलयुग की अमर कथा जग को, कलयुग की अमर कथा जग को मैं आज सुनाने आया हूँ। माँ सती धाम अमावासिंह की महिमा बतलाने से आवे जे माँ ओ कर कष्ट मिटावेली। माँ ओ कर कष्ट मिटावेली। मैया का का इतिहास हवे संपूर्ण रूप से समझाइब। रौआ सब ध्यान लगाइब ता कुछ गुप्त बात हम बतलाइब। बलिया जनपद में सुघर दौलतपुर स्थान जन्मी सुंदर बालिका करने जग कल्याण। कन्या के माता पिता पहुँचे गुरु के धाम। गुरुवर ने उसका रखा सती सोच करना। थी ज्ञानवती विदुषी बाला बचपन में पढ़ने जाती थी। मेधावी थी वह पढ़ने में भगवन में ध्यान लगाती थी। बचपन में ही उस बाला ने कुछ चमत्कार कर दिखलाया। था नाम सती अपने सत से कोढ़ी को दी सुंदर काया। कोढ़ी को दी सुंदर काया। थी भक्ति भाव से भरी हुई मंदिर वह प्रतिदिन जाती थी। कोई ना कोई चमत्कार वह प्रतिदिन ही दिखलाती थी। समय चक्र के साथ वह होने लगी जवान। माता पिता ने तब किया शादी का अरमान। पिता सती के तब लिया पंडित को बुलवाए
सती ब्याह हित कीजिए। हे महराज उपा पंडित जी ठाकुर साहेब के कहने से तब प्रस्थान किया। सुंदर सुयोग्य वर सती हेतु पाने का मन में ठान किए। करते करते वे भ्रमण गए अमवा सिंह सुंदर गांव जहां अति ही कुलीन क्षत्रिय कुल में परमल सिंह का था ठाव जहां। परमल सिंह का था ठाव जहां। परमल सिंह के तब पिता तुरत पंडित जी को प्रणाम किया। उद्देश्य आगमन का पूछा तब पंडित ने यह काम किया। इकलौता यह पुत्र आपका है ठाकुर अवलंब। ब्याह पुत्र का कीजिए करिए नहीं विलंब। पंडित जी के बात को लिया पिता ने मान। किए पुरोहित शीघ्र ही दौलतपुर प्रस्थान। आकर के ठाकुर साहित ने यह सती पिता को समझाया। अमवा सिंह के परमल सिंह को हर तरह योग्य वर बतलाया। शुभ घड़ी और शुभ लग्न देख अब सती का ब्याह रचा दीजे। जजमान आप यह कार्य तुरत अपने हाथों से अब कीजे। अपने हाथों से अब कीजे। तब सती पिता परमल सिंह के घर आकर वचन सुनाया है। बारात सजाए हे प्रियवर मैंने यह आस लगाया है। परमल सिंह के पिता ने सुन कर के यह बात दौलतपुर को ले चले। परमल की बारात इसी बीच एक ज्योतिषी देख सती का हाथ। वर इसका अल पायु है सच्ची है यह बात। क्यों शकुन अपशकुन करते हैं यह कहा सती के माता ने। हे महाराज कैसी रचना कर डाली आज विधाता ने। कैसे हो दीर्घ जीवी इसका वर कुछ उपाय
कुछ की जय हो कुछ की जय प्रभु कुछ की जय। तब महाराज ने झोली से ताबीज एक कर मेलीना अपने वर के बाजू बांधो ताबीज सती को दे दीना। जब तक बाजू में बधा होगा यह ताबीज रक्षा होगी प्राण की ऐसी है यह चीज। परमल की बारात जब पहुंची सती के द्वार समधि से समधि मिले मंगल द्वाराचार। मड़वा में परमल और सती की जोड़ी श्री युगल राम सीता की जो मिथिला नगरी में सजती थी। दोनों का पाणी ग्रहण हुआ परमल सिंह यमवा सिंह आए माता ने परछन कर उनका कोहबर ले कर पहुँचाए कोहबर ले जाकर पहुँचाए। दिन सोने जैसा लगता था चांदनी रात चांदनी जैसी। कब एक महीना बीत गया आँखों में रुत रानी जैसी। परमल ने एक दिन कहा सुनो प्रिय ये बात शिव दर्शन को जाऊंगा लखनेश्वर डीह प्रात। बाजू में ताबीज को सती बांधा तत्काल शिव दर्शन को चल दिए परमल प्रातः काल। जब चले मार्ग में देखा तो कुछ लोग बचाओ कहते हैं सांपों का जोड़ा घेरा है अब इसे हटाओ कहते हैं। परमल सिंह जब नजदीक गए देखा तो सर्प भयंकर थे उस पुरुष को डसने के खातिर वह नाग और नागिन आतुर थे वह नाग और नागिन आतुर थे। परमल सिंह नाग और नागिन पर लाठी से तुरंत प्रहार किया। नागिन तो भाग गई लेकिन पर नाग उन्होंने मार दिया। जब परमल आगे बढ़े
नागिन करे फुफकार, पीछे से आकर किया उसने उन्हें परवार। लेकिन उस ताबीज से निकली ज्योति अपार, नागिन बेबस मुड़ गई करती हुई पुकार। चाहे जैसे भी हो बदला इस नाग मृत्यु का लूंगी मैं, एक दिन ताबीज को खुलवा कर परमल तुझको डस दूंगी मैं। परमल ने कुछ ना ध्यान दिया, लखनेश्वर डीह को वेधाए, दर्शन पूजा कर ले प्रसाद वह गृह अपने वापस आए, वह गृह अपने वापस आए। घर आकर पतिव्रता सती को सारा वृतांत सुना डाला, ताबीज किया रक्षा मेरी और इसकी ज्योतिर्मय ज्वाला। कई बार ऐसा हुआ परमल देख अकेल, लगी सर्पिणी खेलने परम मृत्यु का खेल। एक दिवस परमल चले पुनः जहां शिवधाम, कहा सती ने आज तो कर ली जय विश्राम। हो रहा अपशकुन बार बार दरवाजे से छींके आई, गिर रहा दूध उफना करके रास्ता काट बिल्ली धाई। है स्वान सिंगाल रुदन करते, मुँह उठा उठा कर आज यहाँ, ए लक्षण ठीक नहीं प्रियवर मत जाएं घर से आप वहाँ, मत जाएं घर से आप वहाँ। प्रियतमे सुनो परमल ने कहा, होनी ना कोई टाल सका, जो होना होगा होगा वो ईश्वर भी नहीं संभाल सका। सूरवीर और सूरमा बड़े बड़े अवतार, होनी के आगे गए सभी एक दिन हार। यह कह कर परमल चले लखनेश्वर डीह ग्राम, कहा सती सकुशल पुनः आवे हो ते शाम। परमल लाड़
लाठी झोला लेकर शिव दर्शन को प्रस्थान किए। लखनेश्वर डीह में वे दिन भर शिव की पूजा और ध्यान किए। रुद्राभिषेक भी किया वहां, पथ परिक्रमा का भ्रमण किया, परवचन सुना ऋषि मुनियों का, प्रसाद यज्ञ का ग्रहण किया, प्रसाद यज्ञ का ग्रहण किया। सूरज ढलने से पहले ही हमको घर जाना ही होगा। वादा पत्नी से किया हुआ अब हमको निभाना ही होगा। यह कह करके चल दिए परमल अपने ग्राम, पहुँच गए वन मध्य वह, होते होते शाम। नागिन भी थी पतिव्रता, बैठी घात लगाए, राह मध्य उसने दिया, पत्थर एक अटका। परमल सिंह जब उस जगह गए, छिटपुट अंधेरा था छाया, वह देख नहीं पाए पथ को, पत्थर पैरों से टकराया। पैरों में चोट लगी उनके, परमल सिंह जी लड़ खड़ा उठे, ताबीज बाह से दूर गिरी, बेबस होकर हड़बड़ा उठे, बेबस होकर हड़बड़ा उठे। ताबीज खोजते इधर उधर पर पाए ना ताबीज, वहाँ होनी को होनी थी उस क्षण, बैठी थी नागिन वहां, खूब लगाए घात, मौका पाकर बढ़ चली वह परमल के पास, फन फैला कर वह बढ़ी, मार मार फुफकार, परमल सिंह पर कर दिया, आखिर उसने वार। विषदंत गड़ाया पैरों में, परमल होकर लाचार गिरे, विष असर किया फौरन उनको, चक्कर खाकर लाचार गिरे। मुरझा छाई उनके मुँह से, नीला नीला सा झाग गिरा, धरती पर तड़प तड़प करके देखो यूं सती सुहाग गिरा, देखो यूं सती सुहाग गिरा। थी सती उधर अपने घर में,
बस भोजन की तैयारी में, पर एकाएक फड़का उनका दाहिना नेत्र लाचारी। शकुन बहुत कुछ हाय सती के साथ, लगी सोचने ठिठक कर रखा हृदय पर हाथ। इसी बीच ग्रामीण कुछ पहुँचे जंगल ओर, परमल का शव देख कर लगे मचाने शोर। दौड़ो दौड़ो अब है भाई दस लिया सर्प ने परमल, मृत्यु पास में आज यहाँ कस लिया सर्प ने परमल को। कुछ लोग दौड़ कर परमल के घर जाकर खबर सुनाए, परमल को सांप ने काट लिया, रो रो बतलाए, रो रो करके बतलाए। सुलहो श्रृंगार किए बैठी सती ने जब ऐसी खबर सुनी, बेसुध हो दौड़ लगाई वह पतिव्रता महापरमल पत्नी। पोखर के उस पार था परमल शव यशहाय, पानी पर दौड़ी सती ज्यों धरती पर जाए। पोखर का पानी लगा नहीं सती के पांव, चमत्कार यह देख कर हुआ अचंभित गांव। कुछ लोग और घर के परिजन परमल के पास चले आए, परमल का देखा मृत शरीर वे चीख चीख कर चिल्लाए। कर डाला क्या यह विधना ने, रो रो कर कहते मात पिता, इस बद्र को अब कहिए कैसे सह सकते मात पिता, कैसे सह सकते मात पिता। पति का शव गोदी में लेकर सती पोखर बीच चली आई, अपने पतिव्रत की शक्ति से एक चिता वहीं पर बनवाई। बैठ चिता पर सती ने पति को रखा गोद, नागवंश पर आ गया उन्हें यशी।
अमित क्रोध। गलती थी या था मेरे पूर्व जन्म का पाप, हाथ उठा सती ने दिया नागवंश को श्राप। पति संग सती में हो रही है नागवंशियों, तुम सुन लो तेरा विश्व व्यापे गान यहाँ, यह बात हृदय में तुम गुन लो। तेरे विष का मारा कोई यदि इस स्थान पे आएगा, तेरा विष व्यापेगा न यहाँ, विष मुक्त यहाँ हो जाएगा, विष मुक्त यहाँ हो जाएगा। पति संग भले जा रही हूँ मैं, बस यही मेरा उपचार रहे। विषधर का विष व्यापे न यहाँ, जब तक कि यह संसार रहे। इतना कह कर सती ने अंतिम किया प्रणाम, चिता जलाया योग से गई प्रभु के धाम। उहवा सब रोवे लगल करके हाहाकार, पुनः उठल ओठाव पर सती का जय जयकार। अमवा सिंह का पावन धरती अद्भुत प्रकाश से नहा गईल, ज्योति से ज्योति मिलल उहवा, ज्योति में ज्योति समा गई। पति खातिर जान गवा करके सती पति व्रत धर्म निभा दी हली, विष मुक्त करे वाली देवी बन के दुनिया में छा गईली, बन के दुनिया में छा गईली। पोखर का पानी हटल उहां, बस एक राख का ढेर रहे। अंतिम क्षण वाली बात उहां सत्य का गूंजत हर बेर रहे। तब से पावन हो गई उ सुंदर यशथान, जहवा कैली मासती पति संग प्रस्थान। उसी जगह चौरा बना उस स्थान को गेड़, चौरा पर छाया करे निश दिन महुआ पेड़। तब से पावन स्थान यहाँ माँ सती धाम कहलाता है। मनवांच
इच्छित फल मैया देती, जो दर्शन करने आता है। माँ सती भवानी आदि शक्ति सारे मंगल की दाता है। उन भक्तों की फरियाद सुने जो आकर शीश नवाता है, जो आकर शीश नवाता है। यदि डसा सांप का कोई व्यक्ति कर इस स्थान पे आ जाए, विष मुक्त यहाँ पर हो जाए, पंकज नव जीवन को पाए। सर्पदंश के व्यक्ति को कैसे हम ले जाए, बतलाता हूँ मैं तुम्हें कुछ संक्षिप्त उपाय। इन नियमों पर जो कोई देगा यदि जो ध्यान, निश्चित रोगी का बचे सर्पदंश से प्राण। अब पुनः उन्हीं सब नियमों को मैं बार बार कैसे रोगी की रक्षा हो, यह सूत्र तुम्हें बतलाता हूँ। जब सर्प किसी को डस लेवे, जयकार सती का कर लीजे, कुछ पैसा यवच्छ के रोगी को अपने दीजे। मत सर्प को मारो कभी मित्र, मत बंद कभी करके रखना। नारी सब केस को खोल देवे, मत बैद डाक्टर को कहना। रोगी को लाए तुरत अमवासती यस्थान, आते स्थल पर उसे मिलेगा जीवन दान। होता है जब गांव में अगर किसी का ब्याह, सती चौरा आते युगल मन में ले यह चाह। दुल्हन पति गृह जाने के पूर्व यह सती से विनती करती है, अहिवा तिन सदा रहूं मैया कह करके आंचल भरती है। जब बच्चा होता है घर में तब इसी जगह होता मुंडन, चुनरी पर साथ चढ़ा करके होती है पूजा और बंदन, होती है पूजा और बंदन। जब मन्नत पूरी होती है सब लोग यहाँ पर आते हैं।
बीच मुखिया कलशा भाव सहित आकर के यहाँ चढ़ाते हैं। जो भी श्रद्धा भाव से आता है इस ठाव, मां मन्नत पूरी करे ऐसा अमेवा गाँव। सोमवार और शुक्र को जो दर्शन को जाए, बात मेरी ध्रुव सत्य है, मन वांछित फल पाए। माँ सती के पावन स्थल पर मेला लगता प्रतिदिन भारी, आते दर्शन को गांव शहर और जिला जवार के नर नारी। कुछ देश विदेश के लोग यहाँ महिमा सुन कर के आते हैं, माँ चमत्कार को देख सभी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। अंजनी पुजारी बन कर के माँ सती का वंदन है करते, पंकज लिखते महीपाल यहाँ, राघवेंद्र अजय गायन